नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज हम जानेंगे इस वीडियो में द्विगु समास के उदाहरण। द्विगु समास के उदाहरण दोस्तों, द्विगु समास क्या होता है इसकी परिभाषा मैंने अपने पिछले वीडियो में डाल रखी है, परंतु आज मैं लाया हूँ आपके लिए विस्तार पूर्वक इसके अन्य उदाहरण, क्योंकि यही घूम फिर कर प्रतियोगिता परीक्षाओं में आते हैं और हमें चक्कर में डाल देते हैं। तो द्विगु समास का जब हम विग्रह करते हैं तो या तो समूह लगाना चाहिए आपको या फिर समाहार का प्रयोग करना चाहिए। तो हम देखते हैं इसी में, तो मैंने लिखा था यहाँ पर समस्त पद और विग्रह मैं आपको बोलकर बता दूंगा। तो सबसे पहला है आपका अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी इसका क्या होगा, आठ अध्यायों का समाहार। चतुर्भुज तो चार भुजाओं का समाहार। चार पाई चार पैरों का समूह या फिर समाहार। तिरंगा तीन रंगों का समूह। अब दोस्तों यहां पर बहुव्रीहि समास भी आ जाता है इसमें, जो तीन रंगों वाला। अब हमें हमने विग्रह पर ध्यान देना है, तो हमने पहले क्या लिखा था, तीन रंगों का समूह। अगर आप समूह लगाते हो तो द्विगु में चला जाएगा, लेकिन आपने लिखा तीन रंगों वाला अर्थात भारत का झंडा, तो अर्थात हो गया। तो यहां पर क्या है दोस्तों, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो इसमें दोनों समास टकराते हैं, तो आप पर डिपेंड करता है ये आप किस प्रकार इसका विग्रह कर आते हो। इसी प्रकार त्रिलोक, त्रिलोक में भी दोस्तों दो समास टकराते हैं, तो तीन लोकों का समूह अगर आप इस प्रकार कर आते हो तो फिर तो ये द्विगु समास है, लेकिन आप गलती से क्या लिया, तीन लोक के राजा हैं जो, अर्थात फिर शिव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, शिव। तो विग्रह आपके अनुसार ही होगा इसका, और उसके अनुसार ही फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा समास में। दुराहा तो दो राहों का समूह। नवरत्न नौ रत्नों का समूह। षट रस यानी कि छह रसों का समूह। चवन्नी, चवन्नी मतलब दोस्तों 25 पैसे का समूह, 25 पैसे का समूह। चौमासा अर्थात चार माहों का समूह या फिर समाहार यानी कि चार माहों का समूह। दो पहर अर्थात दो पहरों का समूह। पंचतंत्र अर्थात पांच तंत्रों का समाहार। शताब्दी, शताब्दी अर्थात 100 वर्षों का समूह अर्थात 100 वर्षों का समाहार। त्रिभुज तीन भुजाओं का समाहार। चतुर्वर्ण, चतुर्वर्ण मतलब चार वर्णों का समाहार। समाहार भी ले सकते हो, समूह भी ले सकते हो। संपादक द्वे, अब देखिए दोस्तों यहां पर संख्या का चली गई पीछे चली गई, तो हमेशा जरूरी नहीं कि आगे संख्या आती पीछे भी चली जाती है। तो दो संपादकों का समूह, दो संपादकों का समूह। अभी आप कभी आपको दे दिया संपादक द्वे, भैया ये कौन सा समास है, तो आप चक्कर पड़ जाओगे और गलती से आप क्या कर जाओगे, हड़बड़ा कर कोई दूसरा समास ही लगा कर आ जाओगे। तो आप देखिए यहाँ पर संख्या नहीं है, संख्या पीछे चली गई, तो ये आपकी इसका अर्थ क्या निकल रहा है, दो संपादकों का समाहार। पंचवटी पांच वटों का समाहार या फिर पांच वटों का समूह। संकलन त्रय तो त्रय मतलब तीन, तीन संकलन का समूह। ये भी देखिए संख्या कहां चली गई, पीछे चली गई। त्रिकोण तीन कोणों का समूह। षटकोण छह कोणों का समूह। अष्ट सिद्धि आठ सिद्धियों का समाहार। चतुर्मुख चार मुखों का समूह। त्रिवेणी तीन वेणियों का समूह अर्थात तीन नदियों का समूह। द्विगु दो गायों का समूह। अब देखिए दोस्तों द्विगु समास में इस शब्द में ही क्या है दोस्तों, द्विगु समास है। तो देखो द्विगु कभी आ जाए इसमें कौन सा समास है, तो आप ही मत करने लग जाना या फिर किसी से पूछने मत लग जाना। इसमें क्या है, दो गायों का समूह। नवनिधि, नवनिधि मतलब नव निधियों का समूह अर्थात नौ निधियों का समूह। पंजाब पांच आबों का समूह। आब मतलब क्या था दोस्तों, नदियां। इनका आपसे विग्रह भी पूछ सकते हैं और ये
पद भी पूछ सकते हैं इस चक्कर में, मत देना आप। तो पांच आबों का समूह, आब मतलब होता नदियां, तो पांच नदियों का समूह। सत सही मतलब होता दोस्तों 700, 700 दोहों का समूह। सप्त सिंधु, सात समुद्रों का समूह या फिर सात सिंधुओं का समूह। तो सत मतलब होता दोस्तों 700 और सप्त मतलब होता है सात, ये आप ध्यान रखना, पता पड़े आप इसको भी सात ही लिखकर आए, सात दोहों का समूह, सात नहीं है यहाँ पर, क्या है 700 और सप्त मतलब होता है सात। चौराहा, चार राहों का समाहार। तिराहा, तीन राहों का समाहार। त्रिफला, तीन फलों का समाहार। त्रिभुवन, तीन भुवनों का समूह। नवग्रह, नौ ग्रहों का समाहार। नवरात्रि, नौ रात्रियों का समाहार। सप्ताह, सात दिवसों का समूह। शतक, 100 वर्षों का समूह या फिर 100 रनों का समूह। दशक यानी कि 10 वर्षों का समूह या फिर 10 रनों का समूह। पंचामृत यानी कि पांच अमृतों का समूह या फिर समाहार। पक्ष द्वय, द्वय अर्थात दो पक्षों का समूह। तो देखिए यहां पर भी संज्ञा कहां चली गई दोस्तों, पीछे चली गई, ठीक है, आगे नहीं है पीछे, तो तब भी यहां पर क्या है द्विगु समास ही है, तो द्वय पक्षों का समूह। सप्तऋषि, सात ऋषियों का समूह, अगर यहां पर सतऋषि आ जाता तो क्या होता 702 का समूह। भुवंत्रय, इसमें भी देखिए दोस्तों संख्या कहां चली गई हमारी, पीछे चली गई, तो तीन भुवनों का समाहार। त्रिरत्न, तीन रत्नों का समाहार। पंचवटी, पांच वटों का समूह। पचमढ़ी, पांच मढ़ैयाओं का समूह, मढ़ैया मतलब कहता दोस्तों झोपड़ियां, तो पांच मढ़ैयाओं का समूह। मध्य प्रदेश में एक टूरिस्ट स्थल है जिसका नाम है पचमढ़ी, तो वहां पर पांडव रुके थे और पांडवों ने अपनी पांच झोपड़ियां बनाई थी गुफा खोदकर, इसीलिए उसका नाम पड़ा है पचमढ़ी, तो पांच मढ़ैयाओं का समूह। अष्टभुज, आठ भुजाओं का समाहार, इसमें समाहार भी कर सकते हो या फिर समूह भी लिखकर आ सकते हो, और आप इसको ध्यान से देखिएगा और नोट्स बनाइएगा और इनको आप ध्यान से कर कर आइएगा। धन्यवाद दोस्तों।